जम्मू कश्मीर को आतंक से मुक्ति दिलाने और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किया था, जिसका परिणाम भी लोगों को 4 साल में ही दिखने लगा है। लेकिन जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझ चुके मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। आएगा भी कैसे, अनुच्छेद 370 हटने के बाद इनके समर्थक आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जो हो रही है। साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के संसाधनों में गुज्जर, बकरवाल, ओबीसी समुदाय, कश्मीरी पंडितों और पीओके शरणार्थी को भी उनका हक देना शुरू कर दिया है। इन समुदायों को इनका हक मिलते देख और आतंकियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई से परेशान पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। अब इन लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत पर भी भरोसा नहीं रहा। पीडीपी ने अपने मासिक न्यूज़लेटर में सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए लिखा है, इस समस्या खड़ा करने वालों से समाधान की उम्मीद करना उस कीड़े के समान है जो मकड़ी से आजादी की मांग कर रहा हो। महबूबा मुफ्ती को बताना चाहिए कि क्या उन्हें अब देश की सर्वोच्च अदालत पर भी भरोसा नहीं है।